हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त आदर्श। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि थंबनेल देख के आप लोग तो जान गए होंगे कि आज मैं इस वीडियो में किस विषय में बात करूंगा। तो आज मैं इस वीडियो में जिन स्टूडेंट ने अपना एग्जाम दिसंबर 2019 में दिया था और अपने रिजल्ट के लिए इंतजार कर रहे हैं, उसकी कन्फर्म डेट विथ टाइम बताऊंगा। तो मेरे को बहुत सारे कमेंट और ईमेल आए कि सर हमारा रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, मैं आपको अंत में कन्फर्म डेट विथ टाइम बताऊंगा। तो इससे पहले इग्नू के कुछ प्रीवियस ईयर एग्जाम की रिजल्ट की पहली अपडेट कब आई थी उसके बारे में जान लेते हैं। पहली अपडेट, पूरा एग्जाम का रिजल्ट नहीं, ठीक है, इग्नू प्रीवियस एग्जाम रिजल्ट डेट। तो इससे पहले जो एग्जाम हुआ था, जून 2019 का जो एग्जाम हुआ था, उसकी पहली अपडेट 14 अगस्त 2019 को आई थी, 15 अगस्त से एक दिन पहले। और उससे भी पहले जो एग्जाम हुआ था, दिसंबर 2018 का जो एग्जाम हुआ था, उसका रिजल्ट 15 फरवरी 2019 को आया था। और उससे भी पहले जो हुआ था जून 2018 का एग्जाम, उसका जो पहला अपडेट था वो 8 अगस्त 2018 को देखने के लिए मिला था। देखिए, यहाँ पे 14 को मिला था, यहाँ पे 8 को मिला था। यहाँ पे 8 को इसलिए मिला था क्योंकि जो इग्नू के एग्जाम पहले होते थे वो 20 या 22 डेज में खत्म हो जाते थे, पूरा 30 डेज नहीं खींचा जाता था। अब जो इग्नू के एग्जाम होते हैं उनको पूरा 30 डेज तक खींचा जाता है, 1 मंथ खींचा जाता है, क्योंकि इससे बहुत सारे बच्चों के एग्जाम कोलैप्स होते थे, तो जो वो अब कोलैप्स नहीं हो रहे हैं और इग्नू को दो बार एग्जाम नहीं लेना पड़ रहा है। इसलिए अब इग्नू के जो एग्जाम होते हैं वो 1 मंथ घींचे जाते हैं। और उससे भी पहले जो एग्जाम हुआ था, दिसंबर 2017 का जो एग्जाम हुआ था, उसका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी 6 फरवरी 2018 को देखने के लिए मिल गया था। पर मैं आज इस वीडियो में आपको क्लियर एंड कट बताऊंगा कि दिसंबर 2019 में जो आपने एग्जाम दिया था उसका रिजल्ट आपको कब देखने के लिए मिलेगा। तो उसका रिजल्ट जो है वो आपको 14 फरवरी को 2:30 बजे से इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर उसका लिंक आ जाएगा, आप उसको चेक कर लीजिएगा। रिजल्ट देखना तो आप लोग जानते हैं। अगर किसी कारणवश इग्नू में 14 फरवरी को छुट्टी रहा या कोई हॉलीडे रहा या कोई ऑफिशियल वर्क नहीं रहा, तो आपको 110% 15 फरवरी को 2:30 बजे से देखने के लिए मिल जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में इसी विषय में बात कर रहे थे कि जिन्होंने दिसंबर 2019 में एग्जाम दिया है और अपने रिजल्ट के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो उनका रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन स्टूडेंट को जिन्होंने अपना एग्जाम दिसंबर 2019 में दिया था और अपने रिजल्ट के लिए इंतजार कर रहे हैं। इस वीडियो के रिगार्डिंग आपके कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट कीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय।